हे गाइस, कैसे हो? डिस्ट्रीब्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा कि आप पबजी को किस प्रकार से विदाउट वीपीएन के चला सकते हैं। बहुत से तो ऐसे दोस्त हैं जो कि इंडिया में रहते हैं और उनका जो पबजी मोबाइल चलाते हैं तो उनको वीपीएन लगाना पड़ता है, जिसकी मदद से उनका जो गेम है वो लैग करता है और खेल नहीं पाते। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक एक बार जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब को और जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक रिकमेंड करना ना भूलें। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको पबजी मोबाइल ज़्यादा पसंद है या फिर बीजीएमआई। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, बैक आ जाने के बाद अगर आपने जो ये एप्लीकेशन है पबजी मोबाइल की, यहाँ इसको लॉन्ग प्रेस करना है। अगर इसको एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो सिंपली इसको अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अनइंस्टॉल कर देने के बाद सिंपली आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। सिंपली इसको नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद सिंपली आपको ऊपर रोकलॉक वाइटी दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पर पबजी मोबाइल ग्लोबल 2.8 अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है पबजी मोबाइल का, पबजी मोबाइल केआर का, बीजीएमआई का, तो यहाँ पर मैं अपडेट डाल देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 724 MB का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली गाइस आपको क्या करना है, ओपन तो आप डाउनलोड ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ना ऊपर चलना है। उसके लिए ना इसमें ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, लॉगिन करते टाइम भी आपको दिक्कत आती है या उससे पहले एक दिक्कत भी आती है। तो गाइस यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले तो थोड़ा ओपन करना है और पिन नंबर 3 पर जाना है। जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे करना है। आप देखिए पिन मैसेज दिखाना ऊपर, यहाँ पर आपको नंबर 3 पर जाना है। यहाँ पर देखिए जैसे क्विक वीपीएन वाला है ना, इस पर जाना है और यहाँ पर जो 1.1.0 है cloudflare.com है, इस पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कनेक्शन शेयर्स में जाना है और यहाँ पर आप अगर सर्च करना चाहते हैं, जैसे सर्च बार है कहीं ओके फ़ोन में दिखता है कनेक्शन शेयर में नहीं होता, तो यहाँ पर आप प्राइवेट DNS टाइप करोगे ना तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप प्राइवेट DNS पर जाओगे, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन डालोगे, मॉडिफिकेशन में डालोगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो कॉपी कर रखा है, यहाँ पर आपको कॉपी करने के बाद फ़ोन के आगे जितना भी है आपको सिंपली हटा देना है और यहाँ पर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि ना आपको लॉगिन करने के लिए वीपीएन की जरूरत पड़ती है। आप कोई वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर चल रहा है, प्ले स्टोर में चलता हूँ। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको बीस्ट वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। तो वो अगर लॉगिन एरर में, जैसे कि नेटवर्क एरर हो गया या फेल टू लॉगिन हो गया, एरर हो गया, उसके लिए ये वाला वीपीएन यूज़ कर लीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको विदाउट वीपीएन खेलना है वो मैं आपको बताता हूँ विदाउट वीपीएन आपका कैसे चलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई भी वीपीएन अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पर अपना पबजी मोबाइल ओपन करता हूँ। जो ये वाली जो प्रॉब्लम आती है, ये वाली प्रॉब्लम आती है खासकर इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने अगर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड किया है या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है, उसकी वजह से ही आपको प्रॉब्लम शो होती है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखिए मेरा वाईफाई से अभी कनेक्ट है और मैंने कोई भी वीपीएन यहाँ पर अभी कनेक्ट किया नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है। कभी कभी क्या होता है गाइस कि ना अदर सर्वर अदर वीपीएन लगा के खेल तो उससे भी मतलब इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। अगर आप इंडिया से हो तो आपको अगर पबजी मोबाइल की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता है तो www.pubjimobile.com पर आप लिखिए, वहाँ पर आप APK डाउनलोड किए, उससे बिना वीपीएन के आपका चलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो गेम है वो स्टार्ट हो, सिंपली देखिए मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं अपने लॉगिन करता हूँ जीमेल से। आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं जीमेल से लगा देता हूँ लॉगिन करने। ठीक है गाइज, मेरा सिंपली जीमेल से लॉगिन होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ। दोबारा मेरे में ये दिखाई दे दिया है, तो आप देख सकते हैं मेरे में कोई वीपीएन कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डाटा ऑन कर लेता हूँ। मोबाइल डाटा ऑन करने के बाद मेरा वाईफाई बंद हो चुका है और यहाँ पे मैंने कोई भी वीपीएन कनेक्ट नहीं किया आपके सामने। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली अपना जीमेल से दोबारा लॉगिन करता हूँ। लॉगिन में 283 सेकंड्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेता हूँ। अगर ये बार बार आपको ये दिक्कत आए ना तो आपको भी यही करना है, थोड़ा सा टाइम चेंज कर लोगे ना तो आपको ये सॉल्व हो जाएगी सेकंड्स की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं टाइम चेंज करके दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभी मोबाइल डाटा से ऑन है, देख सकते हैं आप, और ना मैंने कोई वीपीएन यूज़ किया। तो सिंपली देखिए मेरा जो गाइज है लॉगिन होना स्टार्ट हो चुका है गेम को। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई ये क्या चीज़ किया तूने कि वाईफाई से तू जब यूज़ कर रहा है ना तो तेरे को मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला एरर आ रहा है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ पबजी मोबाइल में एक ग्लिच आ रखा है, ये ग्लिच है कि अगर आप वाईफाई से यूज़ कर रहे हो, अगर वाईफाई, पहले एक मिनट रुक जाइए, मैं अपना जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार यहाँ से। अगर देखिए गाइस यहाँ पर आप अगर अपना
क्या कहते हो वाईफाई से लॉगिन कर रहे हो, तो अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर इज बिजी रेस्टेड की प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली आप मोबाइल डाटा यूज़ कीजिए, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो उनके वाईफाई में दिक्कत नहीं आ रही है। तो गाइस ये होता है सर्वर्स की प्रॉब्लम की वजह से। अगर आपके में एयरटेल में दिक्कत आ रही है तो आप जियो की सिम यूज़ कीजिए, नहीं तो अगर आपके वाईफाई में दिक्कत आ रही है तो सिंपली अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको चेंज कर दीजिएगा, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो दस पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, बाय बाय गाइस, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले।